अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू लाइफ विद उरूज। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है ओरिफ्लेम का, और उसका नेम है मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब। ये एक ऐसा स्क्रब है जो हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही बेस्ट स्क्रब है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो फाइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा लें, लाइक कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। आइए आज हम इसको देखते हैं कि इसकी बहुत ही अमेजिंग बात क्या है कि हमारे पास इसके ऊपर कंपनी की तरफ से ऑफिशियली 15% डिस्काउंट चल रहा है, और अभी आपको ये मिल रहा है 1419 रुपए में। हम सबसे पहले इसकी कुछ ये बेनिफिट्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं कि मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब जो है ये हर एक बंदे का, हर एक ओरिफ्लेम के यूज़र का, इवन के जो यूज़र नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ही अमेजिंग और उनका फेवरेट प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, और ये स्पेशली आपको वाइटनिंग देता है। फुल बॉडी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर शुगर पार्टिकल्स हैं। इसी तरह मिल्क एंड हनी गोल्ड सूथिंग जो स्मूथिंग शुगर स्क्रब है, ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया। ये आज ही का मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है, और ये डिफरेंट रिव्यूज़ हैं अपने कस्टमर्स के जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कस्टमर्स के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये आप टखनों पे अंडर आर्म्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने इसको यूज़ किया है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक मिला है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ही इतने बेस्ट हैं। ये आप अपने हैंड फूड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत मतलब पूरी बॉडी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क एंड हनी जो हमारे पास स्मूथिंग शुगर स्क्रब है, ये शुगर पार्टिकल से मिलकर बनाया जाता है, और इसके अंदर मिल्क एंड हनी के एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये हाइड्रेट्स रखता है हमारी स्किन को, एक्सफोलिएट भी करता है हमारी स्किन को, और स्पेशली ये हम मैनीक्योर पेडिक्योर में मस्ट, ये एक आप ये कह लें कि ज़रूर इसको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये मैनी पेडी दोनों में जो है बैकबोन का काम कर रहा होता है। तो अगर आपको इसके हवाले से या ओरिफ्लेम के किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर करें।